नमस्कार, मैं शिवांगी वाजपेयी। आपको बता दें कि बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई है और इसी के साथ अभिषेक बच्चन वो भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जैसे ही खबर कल देर रात उनके फैंस को मिली, हर तरफ दुआओं का दौर शुरू हो चुका है। हर एक उनका फैंस, हर एक उनका चाहने वाला, चाहे वो फिर पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, क्रिकेटर ही क्यों ना हो, कोई बड़ी हस्ती क्यों ना हो, हर कोई इस वक्त उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। हालांकि अमिताभ बच्चन की जो वाइफ हैं जया बच्चन और अभिषेक बच्चन की वाइफ ऐश्वर्या राय बच्चन, उनकी बेटी अभिषेक बच्चन की, इन तीनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि दोबारा टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद रिपोर्ट का भी इंतजार होगा। इस वक्त मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन एडमिट है, जहां पर वो आइसोलेट है, उनका इलाज किया जा रहा है। और अमिताभ बच्चन ने खुद ट्विटर पर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में जो जो लोग हमारे संपर्क में आए हैं वो सब अपना ख्याल रखें, अपना टेस्ट जरूर करवाएं। और इसी के साथ उन्होंने एक मोटिवेशनल कविता भी शेयर की है। हालांकि अमिताभ बच्चन वो सदी के नायक हैं जिन्होंने हर एक परेशानी को जीता है और इस वक्त उनके स्वास्थ्य की कामना लोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और इसी वजह से लोग दुआएं कर रहे हैं कि वो जल्द ठीक हो जाए। हालांकि हॉस्पिटल की तरफ से बयान दिया गया है कि बिग बी में बहुत हल्के लक्षण हैं कोरोना के और वो जल्द ठीक भी हो सकते हैं, हो भी जाएंगे। ये तैयारी सबकी है, कोशिश सबकी है। लेकिन इसी के साथ जो जलसा बिग बी का घर है उसको भी सैनिटाइज किया जा रहा है बीएमसी के। वहां पर सुबह हमने देखा कि लोग पहुंच चुके थे सैनिटाइजेशन के लिए। इसी के साथ दो और बंगलो जो है बिग बी के उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है और जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन उनकी बेटी को भी वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं, मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, दो पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। वीडियो पोस्ट करना हमारा अधिकार है, वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी, और अपनी जिम्मेदारी से भागने को बोलते हैं कायरता। आप कायर तो नहीं, लाइक कीजिए वीडियो।